हेलो दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ फरा फरा। हमारे यहाँ की पारंपरिक रेसिपी है, आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर आप एक बार इसे खाएंगे तो आपका बार बार खाने का मन करेगा। इसे इस फरा की रेसिपी हर किसी को पसंद आती है, खास करके बच्चों को। तो आप एक बार सुपर टेस्टी एकदम क्रिस्पी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और हमारे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। Subscribe my channel and press bell icon to get update. नमस्कार दोस्तों, प्रतिभा किचन में आप सबका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले फरा की रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पे हमने लिया है चना दाल, 1.5 कप लिया है। इसे 3 से 4 पानी डाल के अच्छे से साफ कर लेंगे। तो हमने धो के साफ कर लिया है और पानी डाल के ऊपर तक इसे भिगो के रख देंगे ओवरनाइट। तो आप देख सकते हैं हमारा चना फूल गया बहुत ही अच्छे से। इसे मिक्सर जार में डाल के हम दरदरा पीस के तैयार कर लेंगे। तो हमने लिया है 7 से 8 हरा मिर्च, अदरक 1 इंच, 7 से 8 लहसुन की कलियाँ और 1 मुट्ठी धनिया। और यहाँ पे हमने इसे दरदरा पीस के तैयार किया है और यहाँ पे हरा मसाले को भी हमने पीस के तैयार कर लिया है। और यहाँ पे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा स्टफिंग बनके तैयार है। और यहाँ पे हमने लिया 2.5 कप चावल का आटा जो हमने अच्छे से छान लिया है और इसमें पानी डालकर गूँथ के इसका डो बना के तैयार कर लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा हमने पानी डाल के इसे अच्छे से गूँथ लिया है। तो आप देख सकते हैं हमारा आटा यहाँ पे गूँथ के तैयार है। हमने इसे नॉर्मल पानी से गूँथ के तैयार किया है। घर में हमने 2 कप पानी डाल के रख दिया है और ढक्कन लगा के इसे मीडियम फ्लेम पे रख देंगे ताकि इसमें उबाल आ जाए। तब तक हम यहाँ पे फरा बना के तैयार करेंगे। तो फरा के लिए हमने 1 लोई काटा है, दोनों हाथों के बीच में इसे हम बड़ा कर देंगे बना के। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे 1 चम्मच हम यहाँ पे स्टफिंग भर लेंगे अच्छे से और फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद इसे अच्छे से हम हाथों से दबा लेंगे फिंगर की सहायता से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक फरा हमारा बनके तैयार हो गया। अब इसे रख लेंगे। इसी तरह हम सभी फरा को बना के तैयार कर लेंगे। यहाँ पे हमारा पानी भी गर्म हो चुका है, 1 उबाल आ चुका है। तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा तेल लगाएँगे, अच्छे से हमने तेल लगा लिया ताकि नीचे फरा चिपके ना। और इसे अच्छे से रख देंगे सभी फरे को। और रखने के बाद इसे ढक्कन लगा के हम मीडियम फ्लेम पे 20 से 15 मिनट तक स्टीम कर लेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं 15 से 20 मिनट हमारा हो गया है, चेक कर लेते हैं इसे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इसे एक गोद के देखा अंदर तक, तो लकड़ी में मतलब चिपका नहीं आटा, इसका मतलब आपका अच्छे से फरा बन गया। अब हम निकाल लेंगे इसे, ठंडा होने देंगे। तो देख सकते हैं हमारा फरा ठंडा हो गया, इसे अब हम काट लेंगे। तो हमने 2 टुकड़ा किया है और एक पैन में डालेंगे तेल 3 से 4 चम्मच और तेल को गर्म होने देंगे। और तेल हमारा गर्म हो चुका है, हम सभी फरे को डाल देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने इसे सेलो फ्राई कर लिया है, दोनों तरफ से अच्छे से पलट के गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। आप चाहें तो उबला हुआ भी फरा खा सकते हैं। अब इसे हम ग्रीन चटनी के साथ सर्विंग प्लेट में सर्व कर लिए हैं। तो आप देख सकते हैं इसका कलर टेक्सचर बहुत ही अच्छा आया है, ऊपर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट। तो हमारी ये फरा की रेसिपी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।